हाय, केम छो? मजा में छो? आ गया आपका अपना डॉक्टर छो छो काला, डॉक्टर नवनीत काला, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन। और आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज की बीमारी है, उनके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो शुगर ज्यादा खा रहे हैं। और शुगर शुगर है बीमारियों की जड़। ज्यादातर तो लोग इसको पॉइजन मानते हैं। शुगर ना तो हेल्दी फूड है और ना ये पॉइजन है, सच बात बताऊं। लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हुए, इसको कब पॉइजन बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो शुगर हेल्दी भी नहीं है, पॉइजन भी नहीं है, लेकिन पॉइजन बन सकता है अगर एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर गए। तो पहली चीज, कितनी शुगर इंसान को खानी चाहिए। और आज का टॉपिक ये कि कैसे पता चलेगा आपके ऐसे कौन से सिम्टम है, कौन से लक्षण है शरीर में जो आपको बता रहे हैं कि भाई तू ज्यादा शुगर खा रहा है और तू बहुत मीठा बोलने लग गया। मुंह में इतनी मिठास होती है कुछ लोगों के, जो जो ऐसे ज्यादा मीठे होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं भाई। चलिए बताता हूं, एक इंसान पहले तो कितनी शुगर खा सकता है। एक इंसान, एक आदमी करीब 9 चम्मच शुगर ले सकता है, यानी 36 ग्राम शुगर ले सकता है। एक वुमेन 6 चम्मच शुगर ले सकती है, यानी 25 ग्राम शुगर ले सकती है। लेकिन आपको लगता होगा 9 चम्मच शुगर तो बहुत ज्यादा है, हम तो 1 चम्मच लेते हैं, हमें तो उस पर मुसीबत हो जाती है। सर, ये जो शुगर है ना, ये खाली आपके शुगर, जो शुगर आप खाते हो ना आर्टिफिशियल शुगर, या वो शुगर नहीं होती। आपके खानों में हर जगह शुगर है। कुछ भी ले लो, आप ब्रेड खा रहे हो उसमें शुगर है, दूध ले रहे हो उसमें शुगर है, हर चीज में शुगर है। तो उन सबको मिला के ये बता रहा हूं, इतने चम्मच है ना। अलग अलग टाइप की शुगर होती है, जैसे आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनमें होता है फ्रक्टोज, आपके दूध में होती है लैक्टोज, है ना। इस तरह की अलग अलग टाइप की शुगर अलग अलग जगह पे मिलती है। तो हम नेचुरल ढंग से भी शुगर कंज्यूम कर रहे होते हैं बिना शुगर खाए हुए भी। तो चलिए अब बता देता हूं कि शुगर है तो एक तरह का पॉइजन ही, सच बता रहा हूं। सारी बीमारियों की जड़ी मैं मानता हूं शुगर, मैदा और घी, ये सबसे बड़ी जड़ है। कैसे पता चलेगा कि आप शुगर ज्यादा खा रहे हो? ऐसे कौन से सिम्टम आपके शरीर में आने शुरू होते हैं? पहली चीज, अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है और आपका वजन बढ़ना शुरू हो गया, समझ लीजिएगा भाई तेरे अंदर कहीं ना कहीं पंगा चल रहा है, शुगर ज्यादा खा रहे तुम। क्योंकि शुगर आपके जो फैट हार्मोन को है उसको असर करती है, हमारे पेट के बैक्टीरिया को असर करती है। इन सब की वजह से हमारा वेट गेन और हमारी भूख ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। दूसरा, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, हर समय खिजेपन रहना, हर समय चिड़चिड़ापन रहना, ये भी शुगर ज्यादा खाने की निशानी हो सकती है। क्योंकि शुगर डोपामिन को छोड़िए, जब आप ज्यादा शुगर खाते हैं तो क्या होता है, इंसुलिन फटाक से रिलीज होता है, जो धीरे धीरे रिलीज होना चाहता है इंसुलिन, वो धड़ाक से रिलीज करता है और शुगर एकदम से बढ़ती है, फिर एकदम से लो हो जाती है, स्पाइक आती है, धड़ाक से लो। जो काम स्मूथली होना चाहिए था वो नहीं हो रहा आपके अंदर, क्योंकि आप शुगर ज्यादा खा रहे हो। पहले शुगर बढ़ती है, फिर एकदम से लो हो जाती है, और जब लो होती है फिर आप इरिटेट हो जाते हो। इसलिए कई लोगों की खाना खाने के बाद शुगर जिनकी ज्यादा लो हो जाती है तो कोई अच्छा साइन नहीं है। ये मतलब है कि आपका इंसुलिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आगे चलकर शुगर हो सकती है, बट कुछ और में शुगर लो रहती है। तो ये भी निशानी है, अगर आपको डिप्रेशन या फिर इरिटेबिलिटी रहती है तो ये ज्यादा शुगर होने की निशानी हो सकता है। और कहीं ना कहीं हमारा जो शुगर लेवल है, हमारे हार्मोन्स, ब्रेन के हार्मोन पे भी असर करता है। इसीलिए ब्रेन फॉगिंग भी पाई गई है इन लोगों में, कि ब्रेन सुस्त हो जाता है, याददाश्त कम हो जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो ब्रेन फॉगिंग भी, और कोविड के बाद तो वैसे भी ब्रेन फॉगिंग ज्यादा हो रही है। तो इसलिए जिनको ब्रेन फॉगिंग रहती है, तारीखी याद नहीं रहती, क्या खाया था कल वो भी याद नहीं, तो भैया शुगर बंद कर दो अगर चाहते हो थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ तो। स्किन प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, स्किन में एक्ने होने के चांसेस जिनको ज्यादा होते हैं, स्किन पे रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। मेरे में इसलिए बुढ़ापा अभी तक नहीं, शुगर को हाथ ही नहीं लगाता हूं, सही में नहीं खाता हूं शुगर, में 10-12 साल से बंद कर रखी है शुगर। तो अगर स्किन और जवान रहना है, सच बता रहा हूं, अगर जवान रहना है तो शुगर को बंद कर दो, शुगर की मिले बंद कर आगे रहूंगा। अरे मेरे पे केस कर देंगे सब। चलिए और क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर अगर हाई रहना शुरू हो गया तो ये भी निशानी है कि भाई तो शुगर ज्यादा खा रहा है। स्लीप की प्रॉब्लम अगर शुरू हो गई है, स्लीप आती नहीं, आती है तो जाती नहीं, मतलब चली जाती है, रात को आंख खुल जाती है, जल्दी आंख खुल जाती है, सुबह जल्दी हो जाती है, रात को सोने में प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई तू शुगर ज्यादा खा रहा है। कैविटी, दांतों में प्रॉब्लम हो गई, आज इधर कैविटी कल उधर कैविटी,
डेंटिस्ट भी परेशान है, वो भी बोलते हैं मीठा खाते हो, टॉफी खाते हो, बच्चा बच्चे को मना इसीलिए करते हैं, चॉकलेट नहीं खानी, फलाना नहीं खाना, तो इसीलिए कैविटी अगर बननी शुरू हो गई तो मतलब शुगर ज्यादा खा रहे हो। और सुबह 2 बार ब्रश किया करो, सुबह शाम करना बहुत जरूरी है। जोकर है डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। ज्वाइंट्स पेन अगर होने शुरू हो गए हैं तो भाई शुगर बंद कर दो। और ये भी देखा गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में, मैं एक पेशेंट से मिलवाऊंगा आपको जिन्होंने अपनी शुगर बंद करी, वेट कम किया, उनके रूमेटॉइड के आर्थराइटिस थी, गठिया था, उनके सिम्टम ठीक हो गए। तो ये पाया गया कि 24 से 25% पेशेंट ने ये कंप्लेन करी कि शुगर लेने से उनके सिम्टम बढ़ गए। ठीक है, तो जिनके ज्वाइंट्स पेन रहते हो तो भाई आप भी शुगर बंद कर दो। फैटी लीवर, जी हाँ वो तो पता ही है, अगर फैटी लीवर हो गए तो मतलब आप शुगर ज़्यादा खा रहे हो, सीधी सी बात है। डाइजेस्टिव इशू अगर हो रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम है, पेट में अगर प्रॉब्लम आ रही गैस एसिडिटी की तो भी शुगर ज़्यादा खा रहे हैं। अब आपको फूड उतने ज़्यादा मीठे नहीं लगते हैं, पहले ज़्यादा लगते थे, इसीलिए अब आप और ज़्यादा चीनी डालते हो, पहले आधा चम्मच डालते थे, अब एक एक चम्मच डालनी पड़ रही है। ये भी बता रहा भाई तेरी बॉडी एडिक्ट हो चुकी है और क्रेविंग होती है अंदर से, मीठा कुछ मीठा मिल जाए, खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए, मीठा ना मिले तो जान निकल जाते कुछ लोगों की, मीठे में क्या है, मीठे में क्या है, मीठे में क्या है, मीठे में क्या है, मेरा सिर है खा लो, बीबी भी बोलती है जब देखो मीठे में क्या है, मीठे में वो मीठा नहीं बनाएगी तो बाहर से लाता है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी रबड़ी के साथ। ये जो क्रेविंग होती है ना, इसलिए होती है कि जो शुगर है ना डोपामिन को रिलीज करती है, डोपामिन जब रिलीज होता है तो डोपामिन और क्रेविंग करता है और खाने की इच्छा बढ़ती है, तो ये एक साइकिल है, ऐसी शुरू हो जाती है, टन 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 टाला चलती है कैनों से बारह। तो अगर आपके साथ ये सब सिम्टम हो रहे हैं, आपको अब चीनी ज़्यादा डालनी पड़ रही है, चीनी अब उतनी मीठी नहीं लगती चाय, या हर समय अब कुछ लोग होते हैं अग्रवाल स्वीट के सामने से गुजरते हैं उनकी ब्रेक लग जाती है गाड़ी की, मेरे साथ भी हो रहा था बीच में ऐसा, जब मुझे फैटी लीवर हुआ मेरी भी गाड़ी रुक जाती थी अपने सामने, अग्रवाल स्वीट है घर के बाहर, मैं वहां से वो रसमलाई लेके निकलता था घर, मैंने भी खाना शुरू कर दिया था, सच बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। और कोविड में तो ये हुआ ही है, घर बैठ बैठ के लोगों ने खाया ही क्या, बच्चे पैदा किए, तभी तो पॉपुलेशन पहुंच गई 1 करोड़ 140 करोड़, करा क्या है, केमिस्ट खुले रहते थे बस, सारा दिन घर एक दूसरे गया तो शक्ल देख के लड़ाई झगड़े होते थे, या नए नए नवेले जिनकी नई नई शादी हुई थी उन्होंने बच्चे पैदा करने पर जोर दिया, जिनका एक बच्चा हुआ 5 साल हो गए तो उन्होंने कहा चल भाई बच्चे ही पैदा कर लेते, कुछ और तो काम है नहीं आजकल। गायनी वालों को बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, लेडी डॉक्टर का, अगले जन्म में लेडी डॉक्टर ही बनूंगा। चलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, तो अगर आप में इसमें से कुछ सिम्टम है फिर शॉर्ट में बता देता हूँ, वजन कम, वजन बढ़ रहा है, भूख ज़्यादा लगती है, डिप्रेशन है, स्किन में एक्ने निकल आए हैं, स्किन लूज हो गई है, इसमें रिंकल हो गए हैं, बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, ब्रेन आपका काम नहीं कर रहा है, स्किन सैग हो रही है, कैविटी बन रही है मुंह में, ज्वाइंट्स पेन शुरू हो गए हैं या फिर गठिया बढ़ गई है, फैटी लिवर हो गया है, एनर्जी लेवल कम हो गया है, हाँ ये बताना भूल गया था, अगर एनर्जी लेवल भी कम हो गया है, आपको लगता है मैं थका थका सा रहता हूँ, तो हो सकता है आप शुगर ज़्यादा खा रहे हो, डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं और अब स्वीट खाने का और ज़्यादा मन करता है ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। वो जमाना बीच गया दाल रोटी का, आप तो कहते हैं मोमोज और बर्गर खाओ प्रभु के गुण। प्रभु के गुण कौन खाएगा, वो तो उसके खाते हैं, वो कौन है, बादशाह के गुण, यो यो हनी सिंह के गुण, जमाना ही बदल गया यार। पिताजी आज भी मुझे याद है कि पिताजी साइकिल पे मुझे बिठा के लाते थे, कपड़े की दुकान थी, छोटा सा होता था, मुझे साइकिल होती थी पापा के पास, तो लेके आते थे, तो रास्ते में से वो हलवाई के पास रुकते थे और कुछ मीठा लेके वहाँ से निकलते थे, कभी कुछ, कभी वो छैनी, छैनी दाना नहीं, छैनी मुर्गा, मुर्गी छेना, जिन लोग सहारनपुर के होंगे उनको पता होगा, खुमरानपुल पे दुकान होती थी पिशोरी की, तो वहाँ से पता नहीं क्या वो लेते थे, और एक जलेबी और बूंदी, तो कई बार ये चीज़ें होती थी, मुझे लगता है सस्ती भी होती थी शायद ये मिठाइयाँ, इसीलिए पापा यही लेके आते थे, जैसी जैसी फाइनेंशियल हालत थी वैसी मिठाई आती थी, अब जमाने बदल गए, अब तो पता नहीं क्या क्या, सब कुछ बदल गया, हम बदल गए, तुम भी बदल गए, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं,
नए नए सांचे में ढलते हैं। जी हाँ, रिश्ते बदल गए, रूप बदल गए, नहीं बदली तो ये मिठाई नहीं बदली, शुगर नहीं बदली। शुगर फ्री मिठाइयाँ आ गई मार्केट में, लेकिन कहने को शुगर फ्री हैं, शुगर फ्री कुछ नहीं होता दोस्त, शुगर फ्री कुछ नहीं होता, सब मिथ्या है, मिथ्या। ध्यान से खाना।